हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, 2020 तो अब चला गया, 2021 आ गया। 2020 में हम हमारा जलवा नहीं दिखा पाए, तो 2021 में हमारा जलवा तो अब दिखाना ही पड़ेगा। जलवा है हमारा। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2021 में कौन सी हेयर स्टाइल ट्रेंड में रहेंगी, जो पूरे साल मतलब आपका लुक मतलब एक लेवल बढ़ा ही देगी। मतलब लड़की आपके पीछे, मतलब आपके बालों के पीछे पूरी तरह से पागल हो जाएंगी। ये तो बस मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए, आपके तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैं उस जोक पे अभी तक हंस रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, 2021 में सबसे पहली हेयर स्टाइल जो ट्रेंड में रहेगी वो है मैन बन। आप लोगों ने कितने लोगों को देखा होगा, मेरे लॉकडाउन में बाहर नहीं जा रहे हैं तो चोटी बना के पीछे ऐसे घूम रहे हैं, तो वो चोटी बना के ऐसे घूम रहे हैं। इसलिए ये फैशन मतलब ये हेयर कट ट्रेंड में आ गया 2021 में। तो अगर आपके हेयर थोड़े से पतले है और लंबे है तो आई सजेस्ट आप ये हेयर मतलब ये हेयर स्टाइल ना करें, क्योंकि क्या होगा कि लंबे बाल जितने होंगे उतने हैवी होंगे और आपके मतलब आपके बालों को मतलब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा, मतलब आपके बालों में हेयर फॉल बढ़ जाएगा। तो अगर आपके बाल थिन है तो ये हेयर स्टाइल मतलब ना कराएं। अगर आपके बाल थिक है तो आप ये हेयर स्टाइल करा सकते हैं, पर ये अगर आपके बाल वेवी है या कर्ली है तो आपके ऊपर सूट नहीं करेगा। सिर्फ स्ट्रेट बालों मतलब वेवी है उसके ऊपर थोड़ा सा भी सूट करेगा, पर कर्ली पे तो ज़रा सा भी सूट नहीं करा गया। ये 2020 में जो लॉकडाउन हुआ उसके वजह से ये हेयर स्टाइल ट्रेंड में आ गया। तो गाइस, फर्स्ट हेयर स्टाइल तो हो गई, अब चलते हैं हेयर स्टाइल नंबर सेकंड पे। तो गाइस, सेकंड हेयर स्टाइल भी 2020 की वजह से ही ट्रेंड में आ गया, वो है बस कट। बस कट में क्या होगा कि आपके बाल थोड़े से मतलब छोटे से मतलब एक नंबर का या दो नंबर का मशीन लगा कि वो पूरे मतलब आपके सारे बाल निकाल देंगे। मैं अभी आपको फोटोज दिखा देता हूँ बस कट के, तो इसे बस कट कहते हैं। आप देख सकते हैं सारे बाल चले गए, सिर्फ हर जगह मतलब हर साइड छोटे छोटे से थोड़े बाल रह गए। ये 2020 में जो लॉकडाउन हो गया उसके वजह से ये हेयर स्टाइल ट्रेंड में आ गया। तो अगर आपके बाल मतलब थोड़े से कर्ली है, मतलब थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा कर्ली है, और आपको कोई हेयर स्टाइल चाहिए तो आप ये करा सकते हैं। और अगर आपको मतलब कर्ली है पर आपको लंबे बाल चाहिए, मतलब आपको थोड़ी सी मतलब बस कट के अलावा कुछ और कट चाहिए, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे एक पॉइंट में मैंने आपके लिए एक हेयर स्टाइल कवर किया है। तो स्टे ट्यून, अब चलते हैं हेयर स्टाइल नंबर 3 पे। तो गाइज, आगे आपके कर्ली हेयर के लिए मतलब थर्ड पॉइंट पे हम बात करने वाले कि आपको साइड में फेड कराएं, स्किन फेड में क्या होता है, आप जैसे देख सकते हैं मैंने कराई है, यहाँ पे छोटा सा मशीन मारा है, मतलब 0, 1, 2, 3 मतलब यहाँ से छोटे से लंबे बाल हो गए हैं, तो इसे स्किन फेड कहते हैं। और ऊपर आपको शॉर्ट हेयर कराना है, क्योंकि कर्ली हेयर मतलब लंबे रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपको यहाँ पे स्किन फेड कराना है और ऊपर से मतलब छोटे से बाल मतलब थोड़े से छोटे रखने हैं। यहाँ से लंबे मतलब यहाँ पे जो है हेयर होंगे उससे लंबे, पर मेरे जितने हेयर है उससे थोड़े से कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर होंगे तो आपके हेयर मतलब बहुत ज़्यादा कर्ली दिखेंगे और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हेयर स्टाइल आपके लिए अच्छी है। अगर आपको अपना फेस शेप नहीं पता कि आपका फेस का शेप कैसा है, तो अभी हमें आपको एक स्क्रीन पे एक मतलब एक एप्लीकेशन का नाम आ रहा होगा, iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए है। आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए तो आपको अपना फेस का शेप पता चल जाएगा कि अभी मेरा फेस का शेप ऐसा है। आप अगर मिरर के सामने जाके अपना फेस ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपके पेरेंट्स सोचेंगे भाई हमारा लड़का पागल हो गया है। तो इससे अच्छा ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। तो गाइज, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4th, हाँ शायद 4th पॉइंट ही आया, हेयर स्टाइल नंबर 4th। तो गाइज, हेयर स्टाइल नंबर 4 है हमारी मम्मियों का फेवरेट, क्लासिक साइड पार्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब स्कूल जाते थे छोटे थे तो हमारे मम्मी ऐसे बाल बना देती थी हमारे साइड पार्ट, तो वो है फैशन। मतलब आप सोचेंगे भाई ये हेयर स्टाइल मतलब कब से ट्रेंड में आ गई, तो ये हेयर स्टाइल कभी ट्रेंड से आउट हुई ही नहीं थी, ये हेयर स्टाइल हमेशा ट्रेंड में रहेगी। अगर आपका फेस का शेप ओवल है या फिर स्क्वायर है, मतलब अगर आपका फेस स्क्वायर है तो आपको यहाँ पे मतलब साइड पार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़े से स्किन फेड करा देने हैं। अगर आपका ओवल शेप है तो आप टेम्पर करेंगे तो चलेगा। टेम्पर से मेरा मतलब है आप थोड़ा मतलब आप यहाँ पे थोड़े थोड़े से छोटे बाल करा देंगे, पर स्किन फेड नहीं। अगर आपके फेस का शेप ट्रायंगल, सर्कल कोई भी है आपके ऊपर ये सूट करेगा ही, तो आप कैसे कराने। अगर आपका फेस सॉरी आई सजेस्ट कि अगर आपका फेस शेप सर्कल है तो आप यहाँ पे स्किन फेड करा दें, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आप अपने बालों को टेम्पर ही करेंगे तो आपका फेस का शेप पूरी तरह से आलू जैसा लगेगा, तो आपको ऐसा नहीं कराना, आपको साइड पर थोड़े से फेड करा देने चाहिए।
तो गाइस फोर्थ पॉइंट तो हो गया, अब चलते हैं पॉइंट नंबर फिफ्थ। तो गाइस फिफ्थ पॉइंट पे है साइड फेड विथ लॉन्ग हेयर कट, सॉरी लॉन्ग हेयर। तो मैंने जैसे कहा था कि जिनके बाल कर लिए यहाँ पे स्किन फेड कराना है और यहाँ पे छोटे से बाल रखने, मतलब छोटे से नहीं थोड़े से कम बाल रखने हैं। तो अगर आपके बाल है वेवी है या कर्ली सॉरी स्ट्रेट है तो आप ये हेयर स्टाइल करा सकते हैं। यहाँ पे आपको स्किन फेड जैसे मैंने कहा वैसे करना है और आपको यहाँ पे अपने बालों को थोड़ा सा लंबा करना है और आपको थोड़ा सा उसमें टेक्सचर ऐड करना है। टेक्सचर ऐड करने से मेरा मतलब है आपको थोड़े से मतलब वैक्स या जेल लेना है और अपने बालों में थोड़े से लगाना है, या फिर आप ऑयल भी डाल के अपने बालों को थोड़े से ऐसे टेक्सचर दे सकते हैं। मैं अभी आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूँ कि टेक्सचर से मेरा मतलब क्या है। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि टेक्सचर से मेरा मतलब ये है, आप अपने बालों में थोड़ी सी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो ये फैशन भी मतलब आउट ऑफ ट्रेंड कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं जब भी कॉलेज जाता हूँ, मैं कॉलेज में होता हूँ, मेरे मतलब मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, मैं कॉलेज में जितने लोगों को मिलता हूँ उसमें से 90 तो ज़्यादा होगा, 70-80% लोग ये हेयर स्टाइल रखते हैं। तो ये हेयर स्टाइल ट्रेंड में है, तो आप इससे ज़रूर कराएं। अगर आपके हेयर लंबे हैं और वेवी और स्ट्रेट है तो आप ये हेयर स्टाइल ज़रूर कराएं। तो गाइस अब चलते हैं पॉइंट नंबर सिक्स्थ पे। तो गाइस सिक्स्थ में है कोम्ब ओवर विथ फेड, मतलब कोम्ब ओवर विथ फेड से मेरा मतलब है कि आपने साइड में स्किन फेड तो करा दिया और आपको अपने बालों को मतलब थोड़ा सा लंबा है तो आपको प्रॉपर ऐसे खींच के पीछे की तरफ रखना है और आपके बालों में वैक्स डाल के प्रॉपर सेट कर देना है। मैं अभी आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूँ। ये है जो हेयर स्टाइल, मतलब मैं जो आपके कह रहा हूँ, आपको साइड में से स्किन फेड करा देना है और यहाँ पे आपको प्रॉपर कोम्ब करके पीछे की तरफ सेट कर देना है। तो गाइज ये फैशन मतलब ये हेयर स्टाइल ट्रेंड में है, पर आई सजेस्ट कि अगर आप इसे अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा आपको वैक्स जेल सब कुछ लगाना पड़ेगा और इससे आपके बाल डैमेज भी हो सकते हैं। तो आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर मतलब बैड एस जैसा लुक लगेगा, पर इससे आपके बालों में मतलब डैमेज भी हो सकता है, इससे आपका लुक बैड एस जैसा हो जाएगा, बैड एस। इस वजह से ये हेयर स्टाइल स्कूल्स और ऑफिसेज में मतलब ऐसे नहीं चलाते, मतलब ये हेयर स्टाइल बैन है। तो आई सजेस्ट आप इसे कोई पार्टी वार्टी में जा रहे तो ही करें। अब लास्ट एंड द फाइनल ट्रेंडी हेयर स्टाइल है वो 80s और 90s का हेयर स्टाइल है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, पर अभी जो ट्रेंड में चल रहा है तो आपको कहना ही पड़ेगा। वो है कर्टन्स, मतलब आप देख सकते हैं कर्टन्स वाला, मैं अभी आपको फोटोज दिखा देता हूँ। साइड में से मतलब आपके बालों में बीच में मतलब आपको बालों को बीच में जगह रख के दोनों तरफ आपको कोम्ब कर देना है, पर बीच में प्रॉपर बीच में मत रखना वरना वो सलमान खान जैसा हो जाएगा, तेरे नाम वाला सलमान खान जैसा। आपको थोड़ा सा साइड में रखना है, मतलब थोड़ा सा ही साइड में रखना है, राइट साइड या लेफ्ट साइड आपकी मर्ज़ी, पर आपको दोनों तरफ ऐसे बाल रखने हैं। मुझे पर्सनली ये हेयर स्टाइल पसंद नहीं है, पर अभी ट्रेंड में चल रही है तो आप करा सकते हैं इसे, अगर आपको ये हेयर स्टाइल पसंद है तो। और गाइस एक सीक्रेट टिप बता दे रहा हूँ कि आप जो अपने बार्बर के पास जाते हैं तो उसे अपना फ्रेंड बनाएं, उससे क्या होगा कि वो आपको मतलब अटेंशन देगा और आपके हेयर प्रॉपरली मतलब अच्छी तरीके से कट करेगा। और आप बार्बर चेंज मत कीजिए, जो बार्बर के साथ आप जा रहे हैं उसके साथ ही जाए, मतलब पहले मैं इसके साथ गया बार्बर, मतलब ये सैलून में गया, उसके बाद ये सैलून में। तो आप बार्बर चेंज करेंगे तो आपके बाल भी बिगड़ेंगे, क्योंकि बार्बर को पहले से ही आपके बारे में बालों के बारे में पता नहीं होता। अगर आप एक बार्बर रखेंगे तो उसको आपके बालों के बारे में पता होगा और आपके बालों के ऊपर कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी वो ही आपको सजेस्ट करेगा, क्योंकि उसको आपके बालों के बारे में सब कुछ पता है, तो आप एक ही बार्बर रखें। तो गाइस आज के लिए बस इतना है, ये थे वो ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल जो 2021 में ट्रेंड में रहेंगी, जो आपको हेल्पफुल रहेंगी आपका जलवा दिखाने में। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, उसको भी मैंने कुछ हेयर स्टाइल सजेस्ट की है, आप क्लिक कर देंगे तो आपको तुरंत दिखेगी उसकी ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल। तो गाइस इसे क्लिक करना ना भूले। तो गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।